पर ये इल्जाम लगा दिया कि हमने 20-20 करोड़ रुपए की बोरियां ले रहे हैं, ये कुरान शरीफ है जी, हमारी क्रेडिबिलिटी को नहीं, इस पे देखें ये हमारी क्रेडिबिलिटी को वो किया। मैं इस पे ऑन ऑथ कहता हूँ, मैं एक पैसे का रवादार नहीं। चीज बताए, सियासत किस लिए होती है? इज्जत के लिए होती है ना। अगर आप किसी को कह दें कि इसने रिश्वत लेके, हर बंदा आपकी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं, मेरे हल्के में सिर्फ एक राय तो नहीं हो सकती, मेरी मुखालिफ राय भी हो सकती है, तो मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ। मैं 120 करोड़ मैं आपको एक आपके मैंने और भी उसमें मैं एक हल्फ देता हूँ जो एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा हल्फ है, और वो ये है कि मैं हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं होऊंगा। अगर वोट बेचूं पैसों पे, नौकरी बेचूं, ट्रांसफार्मर बेचूं, गैस बेचूं, पाकिस्तान के खिलाफ वो करूं, ये सट्टा ये जो लोग खुद सट्टे और जुआ खेलते हैं उनके उनको यही लगता है कि दूसरे बंदे भी ऐसे ही हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पैसे का ऑफर नहीं, यहाँ पे पर ये इल्जाम लगा दिया कि हमने 20-20 करोड़ रुपए की बोरियां ले रहे हैं, ये कुरान शरीफ है जी, हमारी क्रेडिबिलिटी को नहीं, इस पे देखें ये हमारी क्रेडिबिलिटी को वो किया। मैं इस पे ऑन ऑथ कहता हूँ, मैं एक पैसे का रवादार नहीं। चीज बताए, सियासत किस लिए होती है? इज्जत के लिए होती है ना। अगर आप किसी को कह दें कि इसने रिश्वत लेके, हर बंदा आपकी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं, मेरे हल्के में सिर्फ एक राय तो नहीं हो सकती, मेरी मुखालिफ राय भी हो सकती है, तो मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी